हेलो फ्रेंड्स, यूपी में भर्ती कब आएगी ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। आप जैसे कि देख रहे हो कि बिहार में बैक टू बैक जो है वैकेंसी निकली, वहां पर यूपी में 6 सालों से सूखा पड़ा हुआ है। तो फाइनली यूपी से जो है इन्फॉर्मेशन आ रही है कि यूपी में कब से भर्ती आएगी, कौन कौन सी भर्तियां जो है पहले देखने को मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है और बहुत जल्द आप लोगों को यूपी की वैकेंसी दिखने वाली है, ये भी क्लियर है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएट आप तक पहुंचे। सबसे पहले यूपी के शिक्षक भर्ती को लेकर के यूपी के बच्चे बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं। 2018 के बाद कोई भर्ती देखने को ही नहीं मिली है, जितनी वैकेंसीज आई भी वो अटक गई। जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, टीजीटी पीजीटी की बात करें, ये सारी भर्तियां अटकी हुई है। अब इसके बाद से ये अनाउंसमेंट हो गया था कि नया शिक्षा चयन आयोग बनेगा, नया शिक्षा चयन आयोग प्रोसेस में है। अभी भी अगर आपसे बोला जाए कि क्या कंप्लीट बन चुका है, तो नहीं, अभी भी नहीं बना हुआ है, अभी भी इसमें जो है काम चल रहा है। फिलहाल आज जो न्यूज है कि अशासकीय और राजकीय कॉलेजों में एक साथ शुरू होगी भर्ती। जो वैकेंसी आएगी वो सबसे पहले जो अटकी हुई वैकेंसी है, यानी कि जो वैकेंसी रुक गई थी, बीच में रोकना पड़ गया था, वो वैकेंसी को पहले कंप्लीट किया जाएगा। एक और चीज आप लोगों को मैं बता दूं, जो हमारा अशासकीय और राजकीय कॉलेज है, इन लोगों का करिकुलम सेम होता है पढ़ाने का, लेकिन क्वालिफिकेशन में जो है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी जाती है, जो योग्यता मांगी जाती है, वो अलग होता है। जैसे अगर इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं, तो एक जगह इंग्लिश लिटरेचर मांगा जाता है, तो एक जगह इंग्लिश लैंग्वेज मांगा जाता है। तो ये डिफरेंसेस को भी क्लियर किया जाएगा, लेकिन जो पुरानी भर्तियां हैं उसमें नहीं, नई जब वैकेंसी आएगी उस समय एक ही ऐसा ये बोल सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया जाएगा, जिसमें कि दोनों जगहों पर भर्तियां ली जाएगी। चलिए इसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, समकक्ष अर्हता स्पष्ट होने का इंतजार, पाठ्यक्रम एक होने पर भी अर्हताएं अलग अलग है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग क्यों है। प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय और राजकीय महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम एक है, लेकिन जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो अलग हो जाता है। फिलहाल हमें अभी इस पर काम नहीं करना है, हमारा ये है कि ये जो शिक्षा चयन आयोग बना है, इसको इसका जो स्टार्टिंग काम होगा वो होगा दो जो लटकी हुई भर्तियां हैं, जब सबसे पहले जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, अशासकीय और राजकीय महाविद्यालयों में नई भर्तियां शुरू होंगी। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी विषय में सहायक अध्यापक पीजीटी के पद पर भर्ती के लिए इंटर में संस्कृत और ये सारी वैकेंसी जो है मांगी जाती है, ठीक है। यहाँ पर 2018 में जो है अभ्यर्थियों को 6 साल से जिस वैकेंसी का इंतजार था, जो वैकेंसी अटकी हुई थी, वो वैकेंसी पहले जो है निकाली जाएगी। और यहाँ पे टीजीटी पीजीटी वाला भी जो बचा हुआ है, नए आयोग को टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भी भर्ती करनी है। तो और इसका आवेदन यानी एप्लीकेशन जो है ले लिया गया है। तो ये जो दो काम बचे हुए हैं, ये दोनों कामों को जो है जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। ये शिक्षा चयन आयोग का मेन बोल सकते हो कि मेन और स्टार्टिंग जो है काम यहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ से एक और देख लेते हैं हम लोग। अर्हता के विवाद के कारण अक्सर मामले में कोर्ट चले जाते हैं और इसकी वजह से भर्तियां लटक जाती है। अब ये जो दोनों भर्तियां लटकी है, क्योंकि देखो अभी दोनों कॉलेजेस में अगर करिकुलम सेम पढ़ाया जा रहा है, तो फिर आप क्वालिफिकेशन में क्यों डिफरेंस कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो क्वालिफिकेशन को लेकर के है क्लैरिटी नहीं है। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का बच्चा और इंग्लिश लिटरेचर का बच्चा पढ़ाने वाला एक ही चीज है, लेकिन कहीं पर इंग्लिश लिटरेचर लिया जा रहा है, कहीं इंग्लिश लैंग्वेज लिया जा रहा है, इसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। इसलिए इसको भी जो है क्लियर करने की बात हो रही है। बट ये भी बात है कि जो ये अटकी हुई वैकेंसी है, इसमें ये क्लैरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये क्लैरिटी आपको नेक्स्ट जब न्यू भर्ती आएगी तब देखने को मिलेगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापन यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 6000 पद हैं,
और उन भर्तियों का जो रुका हुआ है उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। और 2018 के बाद से जो भर्ती नहीं आई है उसमें सबसे पहले ये 6,000 असिस्टेंट प्रोफेसर और 4,163 जो है टीजीटी पीजीटी देखने को मिलेगा। अब आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या मैम इतने जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो नहीं, लेकिन इतना है कि जैसे हम लोग आप लोगों को बता भी रहे थे कि यूपी टेट आएगा, फिर सुपर टेट आएगा और ये आएगा वो आएगा, पहले इनका काम ये दोनों को खत्म करेंगे ये लोग, और उसके बाद आप लोग का यूपी टेट और सुपर टेट देखने को मिलेगा, ये क्लियर जो है हुआ है। अभी ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि यूपी में जो है टीचिंग वैकेंसी कब तक देखने को मिल सकती है। जैसे मुझसे आप लोग पूछते रहते हो कि यूपी टेट की तैयारी करें मैम, यूपी टेट का क्लास करवाइए, मैं आप लोगों को पहले भी बोलती हूँ यूपी टेट का निकलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है, रुक जाओ, और यूपी टेट की जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको बिल्कुल बताएंगे। तो यूपी टीचिंग वैकेंसी में जो कि पेंडिंग वैकेंसी है पहले उसको क्लियर करेंगे ये लोग, और उसके बाद से जो है आपका यूपी टेट का स्टार्ट होगा। तो यूपी टेट जाने तक ऐसा लग रहा है कि इस साल तो कुछ नहीं होने वाला है और ना ही इस साल ये लोग कुछ करने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पिछले साल भी यही हुआ था, इस साल भी यही हुआ। ज्यादा से ज्यादा कुछ होगा तो नवंबर दिसंबर तक कुछ हो सकता है, लेकिन वो भी अगर अच्छे से और जल्दीबाजी जल्दी जल्दी काम हुआ तो, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क है नेक्स्ट ईयर का। और जहां तक है सुपर टेट या फिर वैकेंसी के बारे में, तो बाबू वो आप लोगों का जो है नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेगा। इस ईयर जो है न्यू वैकेंसी देखने का चांसेस जो है कम है, ये 2025 में ही आपको देखने को मिल सकता है, इस साल का चांसेस कम लग रहा है। तो फिलहाल जो है यूपी से टीचिंग वैकेंसी को लेकर के यही इन्फॉर्मेशन है। ऐसे हम लोगों ने भी अंदाजा लगाया था कि पहले पुरानी भर्ती होगी, लेकिन ये भी अंदाजा था कि पुरानी वैकेंसी के साथ साथ यूपी टेट भी ये लोग साथ में लेकर के चलेंगे, जिससे कि नई भर्तियों के लिए भी एक रास्ता जो है ओपन होगा, खुलेगा, लेकिन फिलहाल ये नहीं होने वाला है। फिलहाल जो है वो दोनों भर्तियों को लिया जाएगा। और ये भी बार बार बोला जा रहा है कि कुछ नॉर्म्स कुछ नियम जो है वो चेंज किए जाएंगे टीजीटी पीजीटी में। इसमें तो आप लोगों को ऑलरेडी बताया गया है कि मेरिट में जो है कैसे बनेगा, उसमें चेंजेस आ रहा है, और भी बहुत सारी चीजों का जो है चेंज होने की संभावना ये नए शिक्षा चयन आयोग की तरफ से देखने को मिल रही है। तो जैसे ही इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे अपने ही चैनल के माध्यम से, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अब यूपी में कुछ कुछ इस तरह के जो है वैकेंसी को लेकर के इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी, क्योंकि अब इस पर काम थोड़ा सा हो रहा है, बट फिर भी अभी टाइम लगेगा। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ यू।